हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का सेट पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। ऑप्शन हो जाएगा ए 1993। बी से मानव अधिकार अधिनियम का गठन हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। तो कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अमरावती। ऑप्शन हो जाएगा बी अमरावती। बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु नेपाल में, कहेगा देहांत कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन हो जाएगा सी। महरौली अभिलेख का एक विशेष ये है कि इसमें जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन हो जाएगा सी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। जयचंद कहेगा तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? मैसूर। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी। वही कह देगा पुरुष तो विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह 1857 का बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर के कहेगा तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, वहीं बोल देगा कि जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले के कम है? तो कैमूर का। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला हो जाएगा पटना, और सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरण का। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? तो प्रोटीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, जो कि 10 स्वयं शरीर अपना निर्माण करता है और 10 खान पान से बनता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका को कब पेश किए थे?
13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। वहीं कहेगा मंजूरी मिली थी 22 जनवरी 1947 को, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका को पेश किए और मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947 को और अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा किसके प्रधानमंत्री रह चुके थे? बिंदुसार के, ऑप्शन हो जाएगा बी बिंदुसार के। बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के शासक थे। वहीं कह देगा बिंबिसार तो हर एक वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कहेगा, किसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु, ऑप्शन सी। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। वही कहेगा राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चाणक्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, जिसका गठन हुआ था 1948 में। विश्व मानवाधिकार दिवस हो गया 10 दिसंबर को, अब 15 मार्च को कहेगा तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और 24 दिसंबर कहेगा तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती कब की गई थी? 1835 में, पहली बार 1835 में। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है? छब्बीस से 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन हो जाएगा ए। वहीं कह देगा कितना सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है? वर्षा कहेगा कितना सेंटीमीटर, तो 75 से 120 सेंटीमीटर। वर्षा कहेगा तो 75 से 120 सेंटीमीटर, और तापमान कहेगा तो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था? पृथ्वीराज चौहान, जो कि अंतिम राजपूत शासक थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल के किस शासक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन हो जाएगा ए फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ही पहली बार ब्राह्मणों पर भी कर लगवाया था। और फिरोज शाह तुगलक अगर कह देगा कि कौन सल्तनत काल के शासक था जो कि अपना राज्य अभिषेक दो बार करवाए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस लेने पर किसने राष्ट्रीय विपदा की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन चालू हुआ था 1920 में, जो कि चौरा चौरी कांड के चलते वापस ले लिया गया। चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में, और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक आबादी किस गोलार्ध में रहता है? उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भावनगर गुजरात में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोयस के मैदान किसके द्वारा निर्मित मैदान है? पवन द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानसून की खोज किसने किया था? हिपल्स ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। मानसून की खोज किसने किया था? हिपल्स। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। वही कहेगा सुनामी, अगर कह देगा सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी कहेगा तो जापानी भाषा का शब्द है।
जापानी। मानसून और भी, सुनामी कहेगा तो जापानी भाषा का शब्द है। मानसून की खोज किसने किया था? हिपल्स ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक कौन है? द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर बी एस मिन्हास के प्रसिद्ध पुस्तक है। बी एस मिन्हास के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्लानिंग एंड द पुअर। वहीं कहेगा एम एस स्वामीनाथ के, वो एम एस स्वामीनाथ का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। चार्ल्स डिकेंस ने ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। और उनका कार्यकाल कहेगा तो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन हुआ था 1946 में, जो कि मुख्यालय है नीदरलैंड के दहेग में। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? सेन वंश के अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन हो जाएगा सी। सेन वंश के संस्थापक कहेगा तो सामंत सेन थे। सामंत सेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चतुर्भुज मंदिर कहाँ अवस्थित है? चतुर्भुज मंदिर कहाँ अवस्थित है? खजुराहो में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृषि, पशुपालन, मत्स्य और खान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के। द्वितीय क्षेत्र में कहेगा तो विनिर्माण आता है। तृतीय क्षेत्र में कहेगा तो सेवा क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है अबोहर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बल्भाचार्य, जो कि शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का संबंध किस समाज से था? बहावी आंदोलन का संबंध किस समाज से था? मुस्लिम समाज। ऑप्शन हो जाएगा ए। बहावी आंदोलन का कहेगा प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो पटना। पटना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रोमीटर का खोज किसने किया था? विलियम कोजिन। ऑप्शन बी। माइक्रोमीटर कहेगा तो विलियम कोजिन, और वहीं कहेगा माइक्रोफोन के तो ग्राहम बेल। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का जेड जॉनसन, और माइक्रोफोन ग्राहम बेल, और वहीं कहेगा माइक्रोमीटर के विलियम कोजिन। माइक्रो प्रोसेसर कहेगा तो एमी हॉफ। अगला क्वेश्चन है जल में नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 45 mg पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जल में नाइट्रोजन के अधिकतम मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? 15%। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण को किसके प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? गैस का। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने कब प्रतिपादित किया? 1953 में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डीएनए का संश्लेषण किससे होता है? डीएनए का संश्लेषण किससे होता है? आरएनए से। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है उच्च बलनीकृत रबर को क्या कहते हैं? उच्च बलनीकृत रबर को क्या कहते हैं? एबोनाइट। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।